नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले। छोले खाना सभी को पसंद होता है। पूरी, रोटी, भटूरे सभी के साथ छोले अच्छे लगते हैं, तो छोले सभी बनाते हैं। आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने सफ़ेद वाले छोले लिए हैं, इनको हम पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छे से वॉश कर लिया है हमने। ये हमने पतीले में 3 कप पानी लिया है, इसमें हम छोले डाल करके ओवरनाइट भिगो करके रखेंगे। ये हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, ये बेकिंग सोडा डाल देंगे, इसे ढक करके ओवरनाइट रख देंगे। ये ओवरनाइट रखने के बाद ये छोले हमारे अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए छोले कितने अच्छे फूले हैं। अब हम कुकर में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें छोले डाल देंगे। ये छोले डाल दिए हैं हमने, अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे और ढक करके इस प्रकार से चला करके ढक करके 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। तो चलिए, तब तक हम छोले बॉईल होते हैं तब तक हम प्याज और टमाटर को कट कर लेते हैं। ये प्याज टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च ली हैं, लहसुन अदरक लिए हैं, और अब हम इनको मिक्सी जार में डाल करके प्याज को मोटा मोटा कट करके अदरक को भी हम इसमें डाल देंगे, लहसुन को भी डाल देंगे, ये हरी मिर्च को भी मोटा मोटा कट करके इसमें डाल देंगे। ढक्कन लगा करके एक बार चला लेंगे। ये देखिए हमने चला लिया है, और ये इसे हम कटोरे में निकाल देते हैं। अब टमाटर को भी हम इसी प्रकार से पूरी बना लेंगे। टमाटर की भी हमने प्यूरी बना ली है, अब हम इसे भी कटोरे में निकाल देंगे। इधर छोले भी बॉईल हो गई हैं, सीटी निकल गई है, अब इसे ये देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए छोले एकदम से अच्छे से मैश हो रहे हैं, ये बॉईल हो गए हैं। ये प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, ये टमाटर का, और ये हरा धनिया, ये खड़े मसाले लिए हैं कुछ, तेज़पत्ता लिया है, लौंग ली है, और ये 3 हमने इलायची ली हैं। ये गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें हींग डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, अब इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता डाल दिया है, लौंग डाल दी है और इलायची डाल दी है। ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसे कास्ते चलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी है,
एक चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया डाल देंगे। नमक हमने छोले बॉईल करते हुए डाला था इसलिए हम नमक नहीं डालेंगे। छोले भिगोए तब भी डाला था और बॉईल किया तब भी डाला था, तो इसमें अब नमक की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। प्रकार से अच्छे से चला लेंगे। एक चम्मच हमने ये कलर के लिए देगी मिर्च डाली है, इससे छोले में कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें ये हाफ कटोरी हमने दही डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास दही है नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर दही के भी छोले अच्छे बनते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगे। और इसे बॉईल आने तक चला लेंगे। ये देखिए बॉईल आ गया है, अब हम इसमें छोले डाल देंगे। ग्रेवी के साथ छोलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। पानी डाल करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम गैस पे पका लेंगे। अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल दिया है। ये छोले बन करके तैयार हैं। गैस के फ्लेम हमने बंद कर दिया है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट छोले बन करके तैयार हुई हैं। लिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। है ना एकदम टेस्टी, बहुत ही टेस्टी छोले बन करके तैयार हुए हैं। अब इसे हम हरी मिर्च और हरे धनिए से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, उससे ज़्यादा खाने में बहुत ही टेस्टी छोले बन करके तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इस तरह से छोले बना करके खाइए, बहुत ही टेस्टी छोले बन करके तैयार होते हैं। बनाइए खाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।